अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर 15 मंथ्स नॉर्मल ब्लैक विंग से होगोरोमो की वर्किंग का कामयाब रिजल्ट, द सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ ब्लैक विंग होगोरोमो, एक आम सादे ब्लैक विंग से 15 महीने के अंदर होगोरोमो होम ब्रीड वर्किंग से प्रोड्यूस हुआ। अल्लाह ताला सबको ब्लैक विंग होगोरोमो की वर्किंग में कामयाबी अता करे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर सऊद और आप देख रहे हैं डॉक्टर सैयद सऊद अशा ऑफिशियल चैनल। हमने 2020 मई के महीने के अंदर ब्लैक विंग होगोरोमो की वर्किंग स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2021 के सितंबर के अंदर परफेक्ट रिजल्ट हासिल हुए। ये 15 महीने का टर्नओवर, 15 महीने की वर्किंग का प्रोसेस हम आज आपसे शेयर कराने जा रहे हैं। बेशक ये एक लॉन्ग टाइम पहले की वर्किंग है, लेकिन हमने सोचा था कि कुछ बेहतरी आएगी तो आपसे शेयर कराएंगे और कुछ हम कामयाबी हासिल करेंगे तभी हम आपके सामने कुछ रख सकेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ अचीव हो गया है, तो हमने सोचा कि हमारे न्यू हॉबियर्स, हमारे फॉलोअर्स को जो है हम वो वर्किंग सिखाएं जिससे चीपेस्ट प्राइस से वो हाई प्राइस के बर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो ब्लैक विंग होगोरोमो आपको नजर आ रहा है, ये इस वक्त पूरी दुनिया की हाई डिमांड प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है और पूरी दुनिया को यहां से जा रही है। अब इसका बकायदा आगाज हो गया है, पाकिस्तान से बाहर जाना शुरू हो गया है और बहुत अच्छी डिमांड आ रही है। तो हमने सोचा कि हमारे व्यूवर्स को इसकी वर्किंग दिखाई जाए जो वर्किंग हमने स्टार्ट की थी और अब उस वर्किंग में हम कहां पहुंचे हैं। जैसा कि आप ये सारे बर्ड हमारे देख रहे हैं, ये सब हमारी होम ब्रीड के बर्ड हैं जो 2021 में और 2022 के स्टार्टिंग के अंदर हमारे प्रोड्यूस हुए। इसके अंदर हमारे पास फ्लावर वाले बर्ड भी आए, वन साइड फ्लावर वाले बर्ड भी आए, बैक फ्रिल भी आए, राउंड क्रस्ट भी आए, टफ भी आए और सादे बर्ड भी आए। मुख्तलिफ किस्म के पेयरों की मुख्तलिफ किस्म की वर्किंग हुई जिसके पीछे एक मेल का हाथ था और एक फीमेल का, हमने उस मेल और फीमेल से प्रोड्यूस किया। जैसा कि आपको ग्रीन बर्ड नजर आ रहे हैं, इसमें फीमेल का किरदार भी है और मेल का भी है। हम आगे आपको दिखाएंगे कौन कौन से बर्ड किस तरीके से हमने आउट क्रॉस किए और क्या क्या प्रोड्यूस हुआ। ये हमने आपको चिक्स दिखाए जो मल्टीपल चिक्स हमें 2021 के एंड के अंदर हासिल हुए और हम अब आपको दिखाने लगे हैं कि 2020 मई के अंदर हमने जो वर्किंग स्टार्ट की थी उससे हमें क्या क्या चीजें हासिल हुई। ये देखें, ये बच्चे जो कुछ आपको नजर आ रहे हैं इसमें पॉसिबल स्प्लिट है, डायरेक्ट स्प्लिट है, ब्लैक विंग के होगो ब्रेड है, विजुअल ब्लैक विंग होगो ब्रेड है, इस टाइप के सारे बर्ड हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से बर्ड किस किस पेयरिंग से प्रोड्यूस हुए। ये जो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, ये बच्चे मल्टीपल पेयर्स के हैं जो हमने एक साथ रखे हुए थे और ये सारी प्रोडक्शन हमारी 2021 की है। ये 2022 की प्रोडक्शन आपके सामने आ गई है। ये ब्लैक विंग वन साइड फ्लावर का था, थोड़ा साइज अचीवमेंट भी हुई थी, थोड़ा सा क्वालिटी भी हुई। ये चौथी जनरेशन अब आपके सामने आ रही है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें 15 महीने में बेस्ट क्वालिटी फुल फ्लावर के बर्ड हासिल हो गए थे, लेकिन फर्दर हमने वर्किंग स्टार्ट कर रखी थी। ये लाहौर से जब हमारे पास बर्ड इम्पोर्टेड बाहर के आए तो ये ब्रीडर पेयर था और लाहौर के एक नामी ग्रामी ब्रीडर के पास ब्रीड कर चुका था और एक ये यंग बर्ड भी हमने उनसे लिया था वर्किंग के लिए। ये तीन बर्ड से हमने अपनी ब्लैक विंग होगोरोमो की वर्किंग का आगाज किया। ये बर्ड हमने वहां से चूज किया था, ये बेबी था, बहुत अच्छा बर्ड था जो हमारी वर्किंग में बहुत अच्छा करामत साबित हुआ और इससे हमने मुख्तलिफ किस्म के आउटक्रॉस किए। एक महीने बाद यानी कि मई के महीने में बर्ड आए थे और जून जुलाई के अंदर इन्होंने आउटक्रॉस करना शुरू कर दिया था अपनी फीमेल्स को। ये देखे, ये हमने नॉर्मल मार्किंग की गोल्डन फेस की फीमेल क्रॉस कराई, इससे हमें एक वायलेट मेल मिला जो होगो ब्रेड ब्लैक विंग का डायरेक्ट स्प्लिट था। इसके बाद हमने मल्टीपल और बहुत सारी फीमेलें इस मेल से प्रोड्यूस क्रॉस कराई और माशाल्लाह इस मेल की बहुत अच्छी फर्टिलिटी और बहुत अच्छी प्रोग्रेस थी। फिर हमने जो है ना गोल्डन फेस के बाद वायलेट की एक फीमेल जो है वो भी इससे क्रॉस कराई जो बहुत अच्छे फ्लावर में थी, हमारी एक्सियागो वर्किंग की फीमेल थी, इसमें से भी हमें एक मेल प्रोड्यूस हुआ गोल्डन फेस, ये येलो फेस वायलेट की फीमेल है। इसके साथ हमने माला तो हमें एक येलो फेस टफ का मेल आया था जिससे हमने फर्दर आगे स्टार्ट किया। ये टर्कवाइज की फीमेल थी, इसको भी हमने इससे क्रॉस किया, इससे हमें एक क्रस्ट की फीमेल आई थी जो हमारे लिए बड़ी करामत साबित हुई थी। आगे हम वो भी अपनी वीडियो में शेयर कराएंगे। और भी बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस हुए थे, डेफिनेटली हम इतने सारे बच्चे तो अपनी वर्किंग में यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने जो है ना बहुत सारे दोस्तों को दिए वर्किंग के लिए और हमने इनमें से सिलेक्टेड कुछ बर्ड लेके अपनी वर्ल्ड का आगाज किया। ये एक ग्रीन की मादा थी, वायलेट ग्रीन की, जिसको हमने जो है ना ब्रीड कराया और इसमें से भी जो है ना हमें बहुत अच्छे बच्चे हासिल हुए और वो भी हमने आगे वर्किंग में यूज किए क्योंकि ये वायलेट येलो फेस टर्कवाइज टाइप की फीमेल थी वायलेट ग्रीन, तो इससे भी हमें गोल्डन फेस के बच्चे आए। इस तरीके से हम पास कोई 100+ बच्चे मुख्तलिफ फीमेलों से हासिल हुए।
फिर उनको हमने मैच्योर किया, ये वही गोल्डन फेस की फीमेल है, फिर हमने दोबारा भी इससे फीमेल हासिल करने के लिए इसको आउटक्रॉस किया और इससे भी हमें जो है ना फीमेल और मेल दोनों हासिल हुए होगो ब्रेड और वो फर्दर वर्किंग में यूज हुए। जी नाजरीन, फिर हमने इसकी अपनी फीमेल 3 महीने रेस्ट देने के बाद दोबारा इससे डाली, क्योंकि वो 3 क्लच करके आई थी तो हमने मुनासिब भी समझा कि हम फर्दर इसको ब्रीड कराएं। तो अगस्त के महीने में हमने जब मौसम बेहतर हो गया, बरसातें शुरू हुई, फिर हमने इसको इसके साथ पेयर अप किया और अल्हम्दुलिल्लाह इससे 6 बच्चे हमें मिले, जिसमें बच्चे भी मैं आपको दिखाऊंगा, ज्यादातर ग्रीन ऑफलाइन थे और कुछ नॉर्मल मार्किंग के मेल थे। वो बर्ड हमारे लिए बड़े यूजफुल थे, हमने पॉसिबल स्प्लिट टेस्ट करने के काम में इनको लिया। ये नाजरीन इस जोड़े का रिजल्ट था, क्योंकि फीमेल स्प्लिट ब्लू नहीं थी तो मेरे पास मेल नॉर्मल मार्किंग के आए स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट ऑफलाइन, और फीमेल डायरेक्ट ऑफलाइन आई स्प्लिट ब्लू। ये 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे और भी थे तो ये मैंने आपको दिखाए। फिर हमने इन बच्चों से अपने जो पॉसिबल स्प्लिट थे वो टेस्ट करने के लिए इनको होल्ड कर लिया। बहुत डिमांड थी, बहुत लोग मांग रहे थे, लेकिन उस वक्त हमने कहा कि जब तक वर्किंग पूरी नहीं होगी हम बर्ड सेल नहीं करेंगे। फिर हमने इन बर्डों को रखा, बहरहाल और बहुत सारे बच्चे भी हमारे पास आए। अब ये 6 महीने बाद की पोजीशन ये है कि ये सारे बच्चे जो हैं ये उस मेल से मल्टीपल फीमेलों के क्रॉस करने से आए, और कुछ हमने फीमेल को भी एक आधे मेल से क्रॉस किया तो उससे भी कुछ हमें बच्चे हासिल हुए, लेकिन ये सारे बच्चे जो हैं ये मेल के बहुत सारी फीमेलों से प्रोड्यूस हुए थे, और बहुत सारे इस टाइप के बच्चे भी थे जो हमारे पास प्रोड्यूस हुए। फिर हमने, जैसे आपको ये वायलेट मेल बिल्कुल सामने नजर आ रहा है, हमने इस मेल को लिया, और एक येलो फेस का मेल आपको फर्स्ट साइड पे ऊपर नजर आ रहा है उस मेल को लिया। इन दोनों मेलों को हमने लेके होगोरोमो की फीमेलों से क्रॉस किया। आगे जब आप चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि उसमें से क्या क्या रिजल्ट आया हमारे पास। अब हमारे पास इसमें से जो है, जब हमने वो जो मेल दोनों लेके डायरेक्ट होगोरोमो की फीमेलों से डाला तो हमारे पास पॉसिबल स्प्लिट के फ्लावर वाले बर्ड प्रोड्यूस हुए, वन साइड फ्लावर, मिसिंग फ्लावर, बैक फ्रिल। फिर हमने उन पॉसिबल स्प्लिट्स को लिया और डायरेक्ट स्प्लिट से लगाया, इन्हीं बर्डों से लगाया, उन फ्लावर वाले बर्डों को, तो हमारे पास ब्लैक विंग होगोरोमो का बच्चा प्रोड्यूस हुआ, जो बच्चा आप वीडियो के स्टार्ट में देख चुके हैं। उस बच्चे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, फिर उससे हमने फ्लावर वाले स्प्लिट भी बनाए और अभी तक उसकी वर्किंग हमारे पास जारी है। इसी तरीके से हमने नॉर्मल मार्किंग के मेल से, जब हमारे पास नॉर्मल मार्किंग की फीमेल डाली तो हमें उसमें से 5 मेल मिले वन साइड फ्लावर के पॉसिबल स्प्लिट। उन पॉसिबल स्प्लिट को जो हमारे पास ऑफलाइंस की फीमेल निकली थी डायरेक्ट जोड़े से, उससे हमने उनको टेस्ट किया और कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा कि वो सारे के सारे मेल स्प्लिट निकल आए। ये कुदरती अमल था, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं था, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी इनायत थी कि जो अल्लाह ताला ने हमें पॉसिबल को कंफर्म कर दिया। फिर जब हमने उन कंफर्म मेलों को फर्दर ब्रीड कराया तो हमारे पास नॉर्मल मार्किंग के भी मेल फीमेल आना शुरू हुए। ये देखें नादरीन, ये नीचे ऑफलाइन मेल है जो पॉसिबल स्प्लिट फीमेल के साथ क्रॉस हो रहा है, और ऊपर जो मेल है वो डायरेक्ट स्प्लिट के साथ क्रॉस हो रहा है वो मेल। और इस तरीके से हमने और बहुत सारी फीमेलों से उस वायलेट मेल को क्रॉस किया, जिससे हमारे पास सारी जनरेशन प्रोड्यूस हुई। ये एक मैंने डेमो, मेरे पास बनी हुई थी वीडियो, तो मैंने कहा आपसे शेयर कराऊं। और अंटी, इस मेल की जेनेटिकल मेकअप इतना स्ट्रांग था कि ये हर वक्त ब्रीड के लिए रेडी रहता था और पूरे जब तक इससे हमने प्रोडक्शन ली, इसने माशाल्लाह फर्टिलिटी में भी कोई असर नहीं किया और इसके बच्चे भी इसी तरीके से फर्टाइल और बहुत अच्छे और बहुत एनर्जेटिक थे, जिनसे हमने बेशुमार फीमेलें ब्रीड कराई और हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला। ये टफ की फीमेल जो है दूसरी फीमेल से, ऑफलाइन की फीमेल से निकली थी, और ये नॉर्मल मार्किंग की फीमेल से निकला था। तो पहले हमने इन दोनों को क्रॉस किया, उससे भी हमें ये बर्ड प्रोड्यूस हुए, जिसमें ब्लैक विंग भी थे, ब्लैक विंग टफ भी निकले, ये वन साइड फ्लावर भी बर्ड प्रोड्यूस हुआ इसमें, और जो ग्रीन बच्चे हैं वो ग्रीन फीमेल से हमें प्रोड्यूस हुए जब हमने इस ब्लू मेल को डाला। तो इस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बच्चे हासिल हुए और फर्दर फिर हमने उन बच्चों को सार्ट आउट किया और अगली जनरेशन में डाल दिया। जो हमारे पास बड़ा आपने बर्ड देखा था बच्चा, उसको भी हमने वर्किंग में डाला, तो ये एग्जीबिशन होगोरोमो की वर्किंग स्टार्ट हुई। लेकिन ये बहुत टफ चैलेंज था, तो अभी हम इसमें तो कोई खास कामयाबी नहीं ले पाए, लेकिन इसकी वर्किंग जारी है। ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस के साथ होगा। अब हमारे पास अच्छे स्प्लिट प्रोड्यूस हो गए, इस साल विजुअल बर्ड इसमें से प्रोड्यूस होगा, तो हम ये एग्जीबिशन होगोरोमो की वर्किंग भी आपसे शेयर कराएंगे। इस वक्त जो हम आपसे शेयर करा रहे हैं वो हम अपनी होगोरोमो की वर्किंग शेयर कर रहे हैं। ये नादरीन कुछ बर्ड थे जो हमारे नॉर्मल मार्किंग की फीमेल ब्लैक विंग की और ऑफलाइन के मेल से हासिल हुए थे। इनको मैच्योर किया गया, फिर इनको टेस्ट में डाला गया, पॉसिबल स्प्लिट कंफर्म किए गए और स्टेप बाय स्टेप वर्किंग को हमने आगे चलाना शुरू कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारे पास नॉर्मल मार्किंग के बर्ड भी होगो ब्रेड आ गए विजुअल फ्लावर के, और
ब्लैक विंग होगो ब्रेड ये बर्ड निकलना शुरू हो गए, जो ब्लैक विंग के भी स्प्लिट थे, विजुअल ब्लैक विंग थे, होगो ब्रेड थे, और इस टाइप के टफ्टूस बच्चे भी निकले। ये सारे बर्ड टेस्ट रिपोर्ट से आए। और जो एक बच्चा आपको येलो फेस वायलेट नजर आ रहा है, बड़ा बड़े साइज का शुरू में नजर आया था, ये बच्चा वो एग्जीबिशन होगोरोमो की वर्किंग में आया। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ बच्चे प्रोड्यूस हुए, फिर हमने इन बच्चों को मैच्योर किया। अब ये बच्चे टेस्ट ब्रेड से जो जो पीस कन्फर्म हो रहे थे ब्लैक विंग के स्प्लिट होगोरोमो में, उनके रिजल्ट में से आए। और हमने बहुत सारे बर्ड लोगों को भी दिए, ये हमने अपने दोस्त को बर्ड दिए, इसमें से वर्किंग के लिए कुछ बर्ड दिए, और कहा कि आप इसको फर्दर वर्किंग को आगाज करें। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी वर्किंग का आगाज किया और उनके पास भी अच्छा रिजल्ट आना शुरू। अब जो हमारे पास फर्दर फिर बर्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, तो उनमें से ये कुछ रिजल्ट आए। जब हमने दोबारा उन अप्लायंस बर्ड को जो है टेस्ट हुए हुए ब्लैक विंग होगो ब्रेड से डाला, तो ये मिसिंग फ्लावर के पेटल के कुछ बर्ड आए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वर्किंग जारी है। ये हमने एक डेमो दिया था, इसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारे साथ रहेगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और आने वाले नए वीडियो का इंतजार कीजिए। और कंटिन्यू हम एपिसोड में आपको मुख्तलिफ वर्किंग दिखाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।